नमस्कार दोस्तों, XUV700BS6 डीजल वेरिएंट्स के अंदर लॉन्च किया है महिंद्रा ने, इसमें नए वेरिएंट्स के साथ में जिसमें डीजल मॉडल्स है। और आप इसका फ्रंट का लुक से देख सकते हैं, इसमें 330 डिग्री का इसमें यहाँ पे फ्रंट में आपको ग्रिपिंग के सामने एक कैमरा दे रखा है। यहाँ से आप LED लाइट एंड हेडलैम्प्स वगैरह का भी ऑप्शंस एंड LED इसी में एंटी किचर शो है। काफ़ी खूबसूरत के साथ में गाड़ी को डिज़ाइनिंग किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें फ्रंट में काफ़ी ग्रिपिंग आई लाइकिच, मतलब देख सकते हैं खूबसूरती को बिल्कुल रेड कलर के अंदर उतारा गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से इसके RBM के ऊपर इंडिकेटर्स, कैमरेस वगैरह और टर्न इंडिकेटर्स वगैरह भी इसमें ऑप्शंस इलेक्ट्रॉनिक का है। और यहाँ पे एक फिनिशिंग इधर से एक्स्ट्रा दी है जिसमें आप हाथ वगैरह रख सकते हैं। ये टोर वाइजर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस, मतलब कंट्रोल्स एंड यहाँ पे सीट के ऑप्शंस है, लेफ्ट राइट वगैरह। महिंद्रा ने एक बार फिर XUV को मॉडिफाई करके इसमें काफ़ी डिज़ाइनिंग के साथ में इसमें चेंजेस किया गया है। सनरूफ का ऑप्शन पहले भी था, पर काफ़ी और ऑप्शन के साथ में यहाँ पे LEDs को भी चेंज किया है, LED लाइट को क्रोम के साथ में। यहाँ पे फिनिशिंग देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी लेदर का यूज़ करके इसको इंटीरियर को भी सजाया गया है। आप देख सकते हैं 3 से 4 ऑप्शन के अंदर यहाँ पे USB कार्ड का ऑप्शन, यहाँ पर आपको AC एंड यहाँ पे आर्मरेस्ट का भी ऑप्शन दे रखा है, जो इस गाड़ी को काफ़ी लुभाता है और इसको खूबसूरती को बनाता है। इसके अंदर जो सीट दे रखी है वो वेलकम सीट है, ऑटोमेटिक आगे जाती है और ऑटोमेटिक पीछे आ जाती है जब आप गाड़ी के अंदर बाहर होते हैं। तो ये इसमें एडवांस फीचर, यहाँ पे टूटर्स वगैरह के ऑप्शंस 4 दे रखे हैं चारों सीटों के उसमें। और यहाँ पे आपको फोर व्हील ड्राइविंग भी दे रखी है इसमें, जो देख सकते हैं आप इसके स्ट्रिंग के ऊपर काफ़ी बटरफ्लाई जैसी महिंद्रा की न्यू बैजिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे स्क्रीन आपको इतनी लंबी मिलेगी जो सारी इस गाड़ी की परफॉर्मेंस को दिखाती है, जिसके अंदर इंजन एंड यहाँ पे सारे ऑप्शंस जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं इसमें आपको, जैसे टचिंग एंड वॉइस रिकॉर्डिंग, वॉइस कॉलिंग और सारे ऑप्शंस को इंक्लूड किया है, जिसमें आपको यहाँ पे 150 ऑप्शंस मिलने वाले हैं। जिस गाड़ी के अंदर आपको वीडियो बनाना चाहो तो मैं 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, तो आपको मोटा मोटा दिखा देता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारा कप होल्डर्स वगैरह इसमें ऑटोमेटिक भी आती है, और ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में 6+ गियर है, जिसमें एक रिवर्स एंड 5 फॉरवर्ड गियर है, जिससे गाड़ी की स्पीड बरकरार रहती है। और यहाँ पे एप्स AC के कंट्रोल्स वगैरह टचिंग से भी है और बटन से भी है, जो स्क्रीन के अंदर आप देख सकते हैं इसकी चाबियों की लॉक है। यहाँ से आप देखेंगे तो इसकी काफ़ी बड़ी व्हील चेयर वगैरह दे रखी है, और स्टीयरिंग का ऑप्शन दे रखा है जिसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका हार्न एंड महिंद्रा की बैजिंग, यहाँ पे क्रूज एंड यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आप ऊँचे नीचे रास्ते के लिए। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की है महिंद्रा ने, तो वेलकम टू महिंद्रा।